महाराष्ट्र में छात्रा के साथ दुष्कर्म। कोलकाता की घटना पर आक्रोश अभी थमा नहीं कि महाराष्ट्र से भी एक दरिंदगी की घटना सामने आ गई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 19 साल की नर्सिंग की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। रत्नागिरी में ऑटो वाले ने नर्सिंग की छात्रा के साथ रेप के बाद उसे सड़क पर फेंक दिया। पुलिस को बेहोशी की हालत में मिली छात्रा को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस छात्रा की हालत में सुधार होने और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पीड़ित छात्रा के माता पिता ने इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के सामने आने के बाद रत्नागिरी में आक्रोश भड़क गया। आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए, लोगों को पुलिस के साथ गहमा गहमी करते हुए देखा जा सकता है। सुनसान जगह पर दरिंदगी। बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्र ने घर जाने के लिए ऑटो लिया था। ऑटो वाले ने पानी पिलाने के बहाने छात्रों को पानी में कुछ मिलाकर दिया। जिसके बाद छात्रा बेहोश हो गई और फिर ऑटो ड्राइवर एक सुनसान जगह पर ले गया। ऑटो ड्राइवर ने छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। सीसीटीवी आया सामने। पुलिस ऑटो ड्राइवर को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। बता दें कि कोलकाता की घटना को लेकर अभी पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में बदलापुर की घटना पर भी सरकार निशाने पर है। वहीं अब रत्नागिरी की घटना से महिला सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।